नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बची हुई रोटी से हलवा बनाना। ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारे यहाँ रोटी बची जाती है, तो उसको हम कैसे अच्छे से अच्छे यूज में लें, तो आज हम आपके लिए वो बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं। इसको आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट किसी में भी खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आज हम सुबह की रोटी का चीलवा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें बेसन चाहिए। तो ये बेसन है, ये मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। ये बिल्कुल 1 छोटा प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया है, इसको भी मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। ये एक हरी मिर्च है बहुत छोटी सी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये नमक है, हल्दी है, मिर्च है, अजवाइन है और सौंफ है। अब हम सबसे पहले इसका बेसन का बैटर तैयार करेंगे। यह बेसन में हम पहले मसाले डालेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून से भी कम नमक है। आप मसाले तो आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, यह 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये 1/4 टेबल स्पून सौंफ है जो भी बारीक थोड़ी कुटी हुई है, ये अजवाइन है, इसको हम थोड़ा सा क्रश करके हाथ से डालेंगे और हम इसमें इसको मिक्स करेंगे। और जिस तरह से हम पकौड़ी का घोल बनाते हैं उसी तरह से इसको घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लम्स ना पड़े इस तरह से। मसाले आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार ही डाल सकते हैं। और इसमें जैसे प्याज है, आप नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह और भी सब्जियां भी डाल सकते हैं कुछ। देखिए हमारा घोल तैयार है। अब हम इसको थोड़ी देर रख देंगे, इससे ये और फूल जाएगा थोड़ा बेसन। इसके बाद में हम देख लेंगे कि इसमें पानी की ज़रूरत और होगी तो हम और डालेंगे। देखिए हमारे बैटर को 3-4 मिनट हो गए हैं रखे हुए, और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गैस पे नॉनस्टिक तवा रखेंगे गरम करने के लिए, और इसको फिर रोटी पे लगाएंगे। हमने गैस पे तवे को गरम होने रख दिया है, और अब हम इस बैटर को ये देखिए इस रोटी पे इस तरह से लगा लेंगे। चारों तरफ लगाना है हमको अच्छे से। आप इसको चाहे प्लेट में भी रख के लगा सकते हैं इस तरह से।
अब हमारा तवा गर्म हो गया है, तो अब हम इसको ऐसे कैसे तवे पे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको तवे पे, और अब इसको पीछे से भी अच्छे से इस पे लगा देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमको दोनों तरफ ये लगाना है, और फिर इसको जब नीचे से सिक जाएगा तब इससे दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन कलर का हमको सेकना है। तो जिस तरह से हम बेसन के और मीठे चिल्वे बनाते हैं, ये उसी तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। गैस की फ्लेम को हम सेम और मीडियम पे रखेंगे। नॉन स्टिक पे बना रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा ऑयल तो हमें लगेगा नहीं, वैसे साइड पे हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल लगा देंगे इस तरह से। और जब नीचे से सिक जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। ये देखिए हमारा इस तरफ से थोड़ा सा सिक सा गया है, इधर भी बेसन हमारा वो हो गया है, सूख सा गया है इधर। अब हम इसको और पीछे से भी, ये आराम से खिसक रहा है तो पीछे से भी अब ये सिक गया होगा, तो हम इसे पलटेंगे। देखिए कितना अच्छा सिक गया है। अब हम इस पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे, और अब पीछे से भी इसी तरह से सेक लेंगे। गैस को हमने स्लो पे ही कर रखी है बिल्कुल, जिससे बिल्कुल अच्छे तक अंदर तक सिक जाए। आप इसके साथ चाहें तो मीठे चिल्वे भी अलग से बना सकते हैं, तो नमकीन मीठे चिल्वे भी हो सकते हैं ये, और इसे नहीं तो आप शाम को इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं चाय के साथ, और लंच या ब्रेकफास्ट में किसी में भी आप इसको बना के आराम से खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से हम इसके भी चारों तरफ से ऑयल लगा देंगे। पीछे से अच्छे से सिकने देंगे इसको। देखिए अब हमारा इधर से भी ऐसे ये सिक रहा है, इसका मतलब पीछे से भी ये सिक गया है। अब हम इसे भी, ये देखिए बहुत ही अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दबा के और सेक लेंगे, इसपे भी हम थोड़ा सा तेल और लगा देंगे। आप यदि ऑयल लगाना नहीं चाहते हैं तो भले ना भी लगाएं, विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। हमने इसको बहुत ही कम ऑयल में बनाया है, आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और इसे दबा दबा के प्रेस करके दोनों तरफ से थोड़ा सा और सेक लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल लगी नहीं रहा कि हमने ये रोटी से बनाया है।
गया है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसे सर्व करेंगे। गैस भी हमने ऑफ कर दी है। हमने गर्मा गर्म चीले को सॉस और अचार के साथ सर्व कर दिया है। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, अचार से भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हमने अचार के साथ सर्व किया है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम लौटेंगे नई रेसिपी के साथ।